माय चैनल प्रॉपर्टी महादेव एजी व्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्डर फ्लोर सुशांत लोक वन सी ब्लॉक में 215 स्क्वायर यार्ड्स में, जो कि बहुत बहुत ही वंडरफुल बना हुआ है। मैं इसके एंट्रेंस पे ही खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं। इसका नाम मयूरावास बिल्डर ने दिया है, जो कि आजकल नाम रखे जाते हैं बिल्डर फ्लोर्स के। सो आइए चलते हैं अंदर। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना वंडरफुल डोर लगाया है बिल्डर ने, जिसमें वुडन लुक है। एंड यस, इसमें सेपरेट वाटर टैंक्स दे रखे हैं बिल्डर ने फॉर ईच फ्लोर। आप देख सकते हैं सबके अलग अलग मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं वाटर के लिए। एंड पीछे आप मेरे देख सकते हैं ये पैनल दे रखा है इलेक्ट्रिसिटी का। एंड यस, यहाँ पर बिल्डर ने ईच फ्लोर के लिए मोटर का एक्सेस दे रखा है, जो आप यहाँ से कर सकते हैं स्विच ऑन। सो आप ये भी देख सकते हैं मेरे पीछे काफ़ी स्पेशियस पार्किंग है। 2 कार्स ईच फ्लोर इजीली इस बिल्डर फ्लोर में पार्क हो सकती हैं। और यस, यहाँ पर बिल्डर ने सर्वेंट क्वार्टर्स ऑलरेडी बना दिए हैं एंड उनके लिए अटैच वॉशरूम एक दे रखा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सर्वेंट क्वार्टर्स दे रखे हैं, सेपरेटेड 4 क्वार्टर बना रखे हैं। एंड यस, इसके पीछे आपको अटैच वॉशरूम भी मिल जाएगा फॉर सर्वेंट्स। सो आइए अब हम चलते हैं, एंट्री करते हैं इस डोर के थ्रू, लिफ्ट के थ्रू फर्स्ट फ्लोर की तरफ। Let's go. So, आप देख सकते हैं कितना वंडरफुल डोर है यहाँ पर। यहाँ से हम एक्सेस कर सकते हैं एंट्री लिफ्ट के थ्रू एंड स्टेयर्स के थ्रू फ्लोर की तरफ। सो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ, लेट्स गो। तो अब हम पहुंच गए फ्लोर की एंट्रेंस की तरफ। सो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल डोर यूज किया गया है। और यहाँ पर बिल्डर ने पासवर्ड वाला डोर दिया गया है, जिसमें आप अपने कार्ड से एक्सेस कर सकते हैं और पासवर्ड के साथ एक्सेस कर सकते हैं। सो आइए अब हम देखते हैं 3 BHK बिल्डर फ्लोर इन सुशांत लोक 1। सो लेट्स गो। वंडरफुल वंडरफुल। सो आप पीछे देख सकते हैं मेरे, ये ड्राइंग रूम लॉबी एरिया है, काफी काफी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और बिल्डर ने कितना अच्छा काम करवाया है इसमें, आप देख सकते हैं। इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप, कितनी ब्यूटीफुल बनाई हुई है। और ये बिल्डर ने ये एंट्रेंस पे आपके लिए LED पैनल के लिए स्विच दे रखा है एरिया, जिसको आप यूज कर सकते हैं, बहुत ही वंडरफुल। सो आइए अब हम चलते हैं फर्स्ट रूम की तरफ। वंडरफुल वंडरफुल। सो आप पीछे देख सकते हैं ग्रेट टच में बिल्डर ने एक विक्टोरिया स्टाइल में डिजाइन दे रखा है। पीछे आप देख सकते हैं कितनी वंडरफुल लग रही है वॉल। और आप इसकी फॉल सीलिंग देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल दी गई है। यहाँ पर UPVC के डोर्स दे रखे हैं। और आप देखेंगे तो इसकी अलमीरा भी ग्रे टच में दे रखी है बिल्डर ने। आप देख सकते हैं अलमीरा में कितना वंडरफुल काम करवाया हुआ है। LED स्ट्रिप्स यूज करी गई हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे कैबिनेट दे रखे हैं इसमें आपका सामान रखने के लिए बिल्डर ने। आप इसका लुक देखिए बाहर से कितनी वंडरफुल लग रही है अलमीरा। सो आइए अब हम चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। वंडरफुल। सो आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल बाथ फिटिंग्स यूज कर रखी हैं जैगुआर की। यहाँ पर एक LED लाइट दे रखी है और ये भी काफी स्पेशियस है। वंडरफुल टाइल्स यूज कर रखी हैं, फैन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो आइए अब हम यहाँ से चलते हैं। सो अब हमने फर्स्ट रूम देख लिया, सो आइए चलते हैं हम किचन की तरफ। फर्स्ट रूम के अपोजिट आपको किचन मिल जाएगी। सो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल एंट्रेंस बनाई हुई है बिल्डर ने। आप देख सकते हैं द किचन भी मेंशन किया गया है, जो आपको इजीली कहीं नहीं देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कितनी वंडरफुल किचन बनाई है बिल्डर ने। सारी LED स्ट्रिप्स यूज करी गई हैं। आप देख सकते हैं एक स्मॉल पेंट्री दे रखी है। वंडरफुल वंडरफुल। सो इसमें दे रखी है एक LED स्ट्रिप और ये आपको एरिया दे रखा है ओवन के लिए एंड OTG के लिए, जो आप यूज कर सकते हैं। वंडरफुल किचन है जिसमें मॉड्यूलर फिटिंग्स यूज करी गई हैं। आप देख सकते हैं एक ये एलेका की 4 स्टोव वाली इंस्टॉल्ड है गैस। और आप देख सकते हैं चिमनी भी एलेका की ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं LED लाइट्स यूज करी गई हैं, कितना वंडरफुल लग रहा है। एंड आप फिटिंग्स देख सकते हैं कितनी स्मूथ है, जो कि और अच्छे से क्लोज एंड ओपन हो रही हैं। एंड यहाँ आप देख सकते हैं बिल्डर ने डिश वॉशर भी दिया है, जो आपको बिल्डर फ्लोर्स में इजीली नहीं मिलता। एक ऑलरेडी गीजर इंस्टॉल्ड है
फॉर वॉशिंग एंड आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग किचन की कितनी वंडरफुल है, जिसमें एलईडी स्ट्रिप यूज करी गई है बिल्डर ने, वंडरफुल वंडरफुल, को मजा ही आ जाएगा। सो अब हम यहाँ से एंट्री करते हैं इसकी फ्रंट बालकनी की तरफ। आप देख सकते हैं ये इसकी फ्रंट बालकनी है जो कि काफी काफी स्पेशियस है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर सनलाइट आ गई है। तो ये ईस्ट फेसिंग है जहाँ पर आप देख सकते हैं सुशांत लोक वन, जो कि बहुत फेमस है ग्रीनरी के लिए। आप पीछे देख सकते हैं काफी ग्रीनरी एंड सनलाइट है इस एरिया में, एंड बालकनी इज ऑल्सो वेरी स्पेशियस। सो अब हम बालकनी से एंट्री करते हुए चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। लेट्स गो। सो आप देख रहे हैं कितना कितना ओपन स्पेस है, ड्रॉइंग रूम लॉबी एरिया कितना स्पेशियस है। सो अब हम यहाँ से एंट्री करते हुए चलते हैं सेकेंड रूम की तरफ। सो लेट्स गो। तो अब आ गए हैं सेकंड रूम के अंदर। आप देख सकते हैं वॉल का डिजाइन बिल्डर ने कितना अच्छा दिया है। यहाँ पर एक बिल्डर ने मिरर में स्टाइल दे रखा है कोने में, जिसमें आप अपना ड्रेसिंग की टाइप में भी यूज कर सकते हैं इसको। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी वंडरफुल वुडन टच में ही बिल्डर ने अलमीरा दे रखी है। यस, इसमें भी एलईडी स्ट्रिप्स यूज करी गई है। काफी सारे कैबिनेट दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, बिल्डर ने बहुत सोच समझ के इसको बनाया है। तो अब हम यहाँ से अब हम देखते हैं इसका अटैच वॉशरूम, सेकंड रूम का अटैच वॉशरूम, जो कि बहुत ही वंडरफुल बना रखा है। आप टाइल्स देखिए कितनी ब्यूटीफुल टाइल्स यूज करी गई है बिल्डर ने, एंड यू कैन प्लेस योर थिंग्स हियर। सो जब बिल्डर ने यहाँ पर एक नीश दे रखा है वेयरिंग यू कैन प्लेस योर थिंग्स, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूए की वंडरफुल फिटिंग्स दे रखी है, बाथ फिटिंग्स। सो आइए अब हम चलते हैं यहाँ से एंट्री करते हुए थर्ड रूम की तरफ। लेट्स गो। आप पीछे देख सकते हैं कितना वंडरफुल डिजाइन दिया गया है लाइट क्रीम कलर के टच में। आप ऊपर का डिजाइन देख सकते हैं फॉल सीलिंग का, कितना वंडरफुल डिजाइन दिया गया है जो कि एक लाइट सूदिंग कलर में दिया गया है। एंड आप ये देख सकते हैं लाइट पीच कलर में अलमीरा बनाई गई है, जो कि आपको इजीली कहीं नहीं मिलेगी। यस, इसमें भी एलईडी स्ट्रिप्स यूज करी गई हैं, एंड कैबिनेट बहुत सारे दे रखे हैं बिल्डर ने, जो कि आपको इजीली नहीं दिए जाते बिल्डर फ्लोर्स में। सो यहाँ से अब हम इसकी अलमीरा देखने के बाद अब हम इसका अटैच वॉशरूम देख लेते हैं। सो अब हम देखते हैं थर्ड रूम के अटैच वॉशरूम को। वंडरफुल वंडरफुल, आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुल टाइल्स यूज करी गई है यहाँ पर, क्यूए की बाथ फिटिंग्स यूज करी गई है, एंड यू कैन प्लेस योर थिंग्स हेयर इन दिस कैबिनेट, जो कि एक वंडरफुल कैबिनेट दे रखा है बिल्डर ने। यस, आप ये देख सकते हैं कि बेसिन के नीचे भी कैबिनेट दे रखा है वेयर यू कैन प्लेस योर थिंग्स। वंडरफुल वंडरफुल, मजा आ गया। सो आप ये देख सकते हैं ये एक डोर और निकल रहा है, जो कि ड्रॉइंग रूम लॉबी के लिए यूज किया जाएगा एज अ पाउडर वॉशरूम, जो कि बोथ द रूम एंड लॉबी यू कैन यूज दिस वॉशरूम। सो अब हम पहुंच चुके हैं लॉबी की तरफ। सो आप देख सकते हैं कितना वंडरफुल डोर यूज किया गया है बिल्डर ने, डोर्स बहुत ही अच्छे 8 feet लॉन्ग यूज किए गए हैं। सो आप देख सकते हैं इस फ्लोर का लुक मेरे पीछे से कितना वंडरफुल आ रहा है। आप देख सकते हैं कितना वंडरफुल लुक है यहाँ पर, देख सकते हैं मेरे पीछे कितना स्पेशियस ड्रॉइंग रूम लॉबी एरिया है यहाँ पर। सो अब हम देखते हैं इसकी फॉल सीलिंग कितनी वंडरफुल यूज करी गई है। अब आप देख सकते हैं बिल्डर ने इटालियन मार्बल यूज किया है, जो कि बहुत ही वंडरफुल लग रहा है। आप देख सकते हैं इसमें लाइट्स कितनी शाइन कर रही हैं, जो कि आपको इजीली नहीं मिलता है। सो अब हम देख चुके हैं सुशांत लोक वन सी ब्लॉक में 215 स्क्वायर यार्ड्स का बिल्डर फ्लोर, जो कि अवेलेबल फॉर सेल है। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। आप इसकी डिटेल्स के लिए मुझे फर्दर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेल इसकी मेंशन कर दूंगा। इसका नाम मयूराज से बिल्डर ने दे रखा है, इसमें लिमिटेड फ्लोर अवेलेबल है। सो प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।